हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग सिनेक रूट। कहानी की शुरुआत में हम एक सीन देखते हैं जहां दो लोग लड़ रहे होते हैं और फिर सीन शिफ्ट होता है जहां हमको फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जो लोग कहानी की शुरुआत में लड़ रहे थे वो दोनों पुराने दोस्त हैं जिनके नाम मिशेल और कार्टर हैं। हमें मिशेल के बारे में पता चलता है कि वो नॉर्मल जॉब करता है और अपनी लाइफ में सक्सेसफुली सेटल है, पर उसकी पर्सनल लाइफ कुछ खास अच्छी नहीं चल रही। दरअसल मिशेल एक म्यूजिशियन बनना चाहता था पर उसने अपने ड्रीम्स को फॉलो नहीं किया और अब वो एक नॉर्मल जॉब करता है। वो अपनी लाइफ में सेटल तो है पर उसकी पर्सनल लाइफ में बहुत सी परेशानियां है। वहीं दूसरी तरफ हम कार्टर को देखते हैं जिसका ड्रीम एक प्रोफेशनल बुक राइटर बनने का है, जिसके लिए वो अभी तक स्ट्रगल कर रहा है। साथ ही उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बिल्कुल अच्छी नहीं है, इसीलिए वो अपने ट्रक में ही रहता है। जिसके बाद हम इन दोनों दोस्तों को कार्टर के ट्रक में एक रोड ट्रिप पर जाते हुए देखते हैं। अब जिस रोड से ये दोनों होकर जा रहे होते हैं उसका नाम सिनिक रूट होता है, जहाँ कुछ दूर जाने पर इनका ट्रक खराब हो जाता है जिसको कार्टर चेक करता है, पर ट्रक स्टार्ट नहीं होता और अब मिशेल भी उसको देखकर ट्रक से नीचे उतर जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि मिशेल का एक पैर इंजर्ड है जिस वजह से वो स्टिक की हेल्प से चलता है। अब ये दोनों मैप निकालकर चेक करते हैं कि आखिर ये लोग कहाँ पर हैं, जहाँ उनको पता चलता है कि वो दोनों एक ऐसे बंजर इलाके में फंस गए हैं जहाँ दूर दूर तक कोई टाउन या फिर कोई सिटी है ही नहीं। इस एरिया में ज्यादा लोग भी नहीं आते जाते, जिसके बाद मिशेल अपना मोबाइल निकालता है ताकि वो मदद बुलवा सके, पर जिस एरिया में वो फंसे होते हैं वहाँ नेटवर्क मिलना बहुत मुश्किल है। मिशेल अपने आसपास के एरिया को देखता है जहाँ पास ही में उसको एक हिल दिखाई देती है जहाँ पर जाने का वो फैसला करता है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि शायद अगर वो वहाँ तक पहुँच जाएगा तो उसको नेटवर्क मिल जाएगा और तो और वो वहाँ पहुँच कर वो इस पूरे एरिया को भी ठीक से देख पाएगा। इसीलिए मिशेल उस हिल की तरफ जाने लगता है जिसे कार्टर रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका मानना था कि उन्हें कुछ देर और ट्रक के पास ही रोड पर वेट करना चाहिए, क्या पता कोई कार वहाँ से गुजरे जिससे उनको मदद मिल सके। पर मिशेल उसकी एक नहीं सुनता और वो हिल पर चढ़ने लगता है, जिसके बाद कार्टर को भी उसके पीछे जाना पड़ता है। वो दोनों हिल की चढ़ाई करते वक्त बातें करते हैं और कार्टर मिशेल से ये कहता है कि जिस तरह का म्यूजिक तुम बनाते हो वो म्यूजिक तुम्हारी वाइफ जोआना को बिल्कुल पसंद नहीं आता। यहाँ पर हमको ये पता चलता है कि मिशेल की एक वाइफ है जिसका नाम जोआना है और उन दोनों का एक बेटा भी है जिसका नाम कोल है, पर मिशेल कार्टर को इग्नोर करता है और उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो अपना मोबाइल निकालकर सिग्नल चेक करने लगता है और तभी उनको एक कार की आवाज आती है। देखने से तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कार उनकी तरफ ही आ रही है, इसीलिए वो कार से मदद मांगने के लिए जल्दीबाजी में नीचे उतरने लगते हैं, पर मिशेल के पैर की हालत खराब होती है जिस वजह से वो हिल से गिरने लगता है। फिर वो दोनों जैसे तैसे करके उस कार तक पहुंच जाते हैं, जिधर मिशेल कार में बैठे बूढ़े आदमी को बताता है कि उनका ट्रक खराब हो चुका है और उन्हें उनकी मदद चाहिए। वो बूढ़ा आदमी उनको लिफ्ट देने के लिए मान जाता है, पर तभी कार्टर कहता है कि उन्हें उनकी मदद नहीं चाहिए क्योंकि ट्रक सही है, और कार्टर तभी उनके सामने ट्रक के इंजन में एक वायर लगाता है जिससे ट्रक फिर से स्टार्ट हो जाता है। कार्टर मिशेल से बताता है कि उसने ही इस वायर को निकाला था, जिस पर मिशेल उस बूढ़े आदमी से माफी मांगता है और वो वहां से चला जाता है। फिर मिशेल कार्टर से ये पूछता है कि आखिर उसने ये सब क्यों किया, जिस पर कार्टर उससे ये बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी इसीलिए मैंने इस वायर को निकाला था। जिसको सुनकर मिशेल उस पर भड़क जाता है, वो उस पर गुस्सा करने लगता है, जहां इन दोनों दोस्तों के बीच बहस छिड़ जाती है, जिधर कार्टर उससे कहता है कि तुम्हें अपने ड्रीम और अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए था, तुमने उसको छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। यहां हम देख पाते हैं कि कार्टर मिशेल की वाइफ को पसंद नहीं करता क्योंकि अपनी फैमिली की वजह से ही मिशेल ने अपने ड्रीम पर गिव अप कर दिया था, जबकि मिशेल उससे कहता है कि तुम मुझसे ये सब कैसे कह सकते हो, तुम मुझे एडवाइस नहीं दे सकते, तुम्हारी तो खुद की हालत खराब है, यहाँ तक कि तुम्हारे पास तो खुद का घर भी नहीं है। अब काफी देर ऐसे ही बहस चलती है, जिसके बाद मिशेल ट्रक में वापस आकर बैठ जाता है और जैसे ही वो दोनों वहाँ से निकलने लगते हैं उनका ट्रक स्टार्ट ही नहीं होता। और इस बार जब कार्टर दोबारा इंजन को चेक करता है तो उसको पता चलता है कि इंजन सच में खराब हो गया है, जिसमें से धुआं निकल रहा है। जिन सबके बाद अब मिशेल और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो ये सोचता है कि अगर कार्टर कुछ नहीं करता तो वो इस सिचुएशन में नहीं फंसते, जिसके बाद अब वो दोनों बेबस होकर मदद मिलने का इंतजार करने लगते हैं। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है और रात हो जाती है। अब उन दोनों के पास ना तो खाने को कुछ होता है और ना ही पीने के लिए, उनके पास पानी भी सिर्फ थोड़ा सा ही बचा है। रात को वहाँ पर ठंड बढ़ने लगती है और मिशेल ट्रक में वापस आकर बैठ जाता है और अब उनका थोड़ा बहुत पानी जो बचा था वो भी खत्म हो जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि दोनों का गुस्सा अब शांत हो चुका था, जिधर कार्टर मिशेल से अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगता है,
जिस पर मिशेल उसको माफ भी कर देता है। वो उससे कहता है कि मैंने भी जिंदगी में बहुत सी गलतियां की हैं, जिनका पछतावा मुझको आज भी है। जिसके बाद वो उसको एनी नाम की लड़की के बारे में बताता है जिसके साथ मिशेल का अफेयर था और जिसके लिए उसने अपनी वाइफ जोआना को चीट किया, जिसका उसको बहुत पछतावा था। अब ऐसे ही करते करते वो कार्टर को एक टैक्सी ड्राइवर मूवी के एक्टर के हेयर स्टाइल के बारे में बताता है जो उसको पसंद था, पर वो कभी भी वैसा हेयर स्टाइल नहीं रख पाया। जिसे सुनकर कार्टर उसको बोलता है कि मैं तुम्हारा वैसा हेयर कट कर सकता हूँ, जिस पर मिशेल पहले तो मना करता है लेकिन अंत में वो मान जाता है क्योंकि अभी उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। कार्टर अपने रेजर की हेल्प से मिशेल का हेयर कट करके उसको वही वाला लुक दे देता है जो मिशेल को बहुत पसंद आता है। जिसके बाद अब उन दोनों को बहुत प्यास लगने लगती है और ज्यादा प्यास लगने की वजह से मिशेल ट्रक के वेस्ट वाटर को पीने लगता है, पर कार्टर उसको नहीं पी पाता क्योंकि वो बहुत गंदा होता है, जिससे अब मिशेल की तबीयत खराब होने लगती है। पर वो दोनों सो जाते हैं, जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां हम एक लेडी को देखते हैं जो उसी रास्ते से जा रही होती है और उनका ट्रक देखकर वो वहीं पर रुक जाती है। तभी कार्टर भी कार की आवाज सुनकर उठ जाता है। वो जल्दी से कार से उतरकर उस लेडी से मदद मांगता है। तभी मिशेल भी अचानक से उठकर उस लेडी की कार के सामने आ जाता है और कार में बैठने लगता है, जिसकी ऐसी हालत और हुलिया देखकर वो लेडी डर जाती है और वो वहां से चली जाती है। इन सब चीज को देखकर कार्टर का दिमाग खराब हो जाता है और वो मिशेल पर गुस्सा करने लगता है क्योंकि इतनी देर बाद यहाँ से कोई कार गुजरी थी जिससे उनको मदद मिल सकती थी, पर मिशेल के बिहेवियर की वजह से मदद की वो उम्मीद भी खत्म हो चुकी है। मिशेल भी उस पर गुस्सा करता है। वो कहता है कि अगर तुम शुरुआत में वो बेवकूफी नहीं करते ना तो आज हम इस हालत में ना होते। और तभी कार्टर ट्रक से अपना बैग उठाता है और मिशेल को वहाँ छोड़कर अकेला ही आगे जाने लगता है। मिशेल उसको आवाज लगाकर रोकने की कोशिश करता है पर कार्टर नहीं रुकता, जिससे अब मिशेल भी भड़क जाता है। वो वहाँ पड़ा एक पत्थर उठाकर सीधा कार्टर की ओर फेंकता है जो सीधा जाकर कार्टर के सर पर लगता है, जिससे उसके सर से खून आने लगता है, जिससे कार्टर को और गुस्सा आ जाता है और कार्टर मिशेल की तरफ बढ़ता है। अब उन दोनों के बीच में हाथापाई शुरू हो गई थी। वो एक दूसरे को बहुत बुरी तरह मारने लगते हैं और ये वही सीन है जो हमको कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। इस लड़ाई के दौरान कार्टर मिशेल के पैर पर काट लेता है, इसीलिए मिशेल कार्टर के सर पर अपने स्टिक से वार करता है जिससे कार्टर वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिसको देख अब मिशेल डरने लगता है कि ये उसने क्या कर दिया। बहुत देर होने के बाद भी कार्टर को होश नहीं आता। मिशेल उसको जगाने की कोशिश करता है पर कोई फायदा नहीं होता। अब मिशेल को ऐसा लगता है कि शायद अब कार्टर कभी नहीं उठेगा, वो मर चुका है, जिसको दफनाने के लिए वो जमीन में खुदाई करने लगता है। और जैसे ही वो कार्टर को दफनाने के लिए उस गड्ढे के पास लेकर जाता है तभी कार्टर को होश आ जाता है। उसके होश में आते ही मिशेल बहुत ज्यादा खुश होता है, वो उसको गले लगाकर माफी मांगता है। लेकिन जैसे ही कार्टर की नजर उस गड्ढे पर जाती है वो समझ जाता है कि मिशेल उसको इसमें दफनाने वाला था। वो नाराज हो जाता है और वहां से जाने लगता है। अब एक बार फिर से रात हो चुकी थी, जिधर हम मिशेल को देखते हैं जिसे ट्रक में बहुत ज्यादा ठंड लग रही होती है। वो उसी गड्ढे में जाकर सोने की कोशिश करता है, जहाँ पर अचानक से कार्टर भी आ जाता है जो मिशेल को उसी गड्ढे में देखकर सवाल करता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बताता है कि ज्यादा ठंड होने की वजह से मैं यहाँ पर आ गया था और सोने की कोशिश कर रहा हूँ। कार्टर भी उसी गड्ढे में मिशेल के पास लेट जाता है, जिसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो दोनों उसी गड्ढे में सो रहे होते हैं। तभी उनके ट्रक के पास एक दूसरा ट्रक आकर रुकता है, जिसका ड्राइवर उनके ट्रक को देखता है जिसमें उसको कोई नहीं दिखता। सच में उनकी किस्मत बहुत खराब है क्योंकि वो दोनों तो गड्ढे में सो रहे थे। वो ट्रक भी वहाँ से चला जाता है और फिर ऐसे ही एक और दिन बीत जाता है और रात हो जाती है, जहाँ हम ट्रक के आगे मिशेल को बैठा देखते हैं जो मैप में देखकर रास्ता ढूंढने लगता है। उसे पास में एक टाउन दिखता है जो ज्यादा दूर नहीं है। वो तभी कार्टर को उठाता है और उसको अपने साथ चलने को कहता है। कार्टर उसको मना करता है पर वो उसको जैसे तैसे करके उठाकर सहारा देकर अपने साथ ले जाने लगता है, जिन्हें चलते चलते सुबह हो जाती है और वो बहुत आगे निकल आते हैं। पर तभी उनको एक ट्रक की आवाज आती है और जैसे मिशेल हिल पर से उस ट्रक को देखता है तो उसको उनके ट्रक के पास एक दूसरा ट्रक दिखाई देता है, जिसका ड्राइवर उनके ट्रक को अपने साथ ले जाने लगता है, जिसे मिशेल आवाज लगाकर रोकने की कोशिश करता है पर उसकी आवाज ड्राइवर तक नहीं पहुंचती क्योंकि उसने लाउड म्यूजिक चला रखा होता है और मिशेल उससे काफी दूर होता है। जिसके बाद वो ट्रक ड्राइवर अपने साथ उनके ट्रक को ले जाता है।
मतलब अब उनके पास और कोई चारा ही नहीं बचता है। वो दोनों फिर से आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ चलते चलते रात हो जाती है। वो दोनों काफी थके होने के कारण वहीं पर आराम करने लगते हैं। पर कुछ देर बाद मिशेल को किसी की आवाज आती है। वो इधर उधर देखने लगता है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि वहाँ पर एक भेड़िया है जो किसी जानवर की लाश को खा रहा है। मिशेल उसको वहाँ से भगा देता है और उस जानवर की लाश के पास आकर उसको खाने लगता है, क्योंकि उन्होंने काफी दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। जिसके बाद अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जिधर उन दोनों को इलेक्ट्रिक पोल्स दिखाई देते हैं, जिसके सहारे वो आगे जाने लगते हैं। और आगे बढ़ते बढ़ते वो उस टाउन तक पहुंच जाते हैं, पर उनको वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता। वो जगह पूरी तरह से बंजर और सुनसान होती है, जहाँ ढूंढने पर उनको एक वाटर टैंक दिखता है, जिसमें से वो पानी पीते हैं और थोड़ा पानी अपने साथ स्टोर करके वहाँ से जाने लगते हैं। पर तभी अचानक मिशेल का मोबाइल बजने लगता है और हमें सामने से उनकी तरफ एक एम्बुलेंस आती हुई दिखाई देती है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहाँ हम कार्टर और मिशेल को हॉस्पिटल में देखते हैं, जिधर मिशेल की वाइफ उससे मिलने आती है और उसको गले लगाती है, जिसके बाद हमें कुछ हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। और अब सब कुछ एकदम नॉर्मल हो चुका है, जिधर हम देखते हैं कि मिशेल कार्टर को अपने घर में रहने के लिए एक रूम देता है, क्योंकि कार्टर के पास रहने के लिए कोई घर नहीं है। कार्टर भी मिशेल को कई सारी म्यूजिक सीडीज देता है और ये सब साथ में खुशी से रहने लगते हैं। पर एक दिन जब मिशेल जोआना की फैमिली से मिलने उनके साथ जाता है, तो हम मिशेल को किसी चिंता में देखते हैं। वो कुछ परेशान नजर आता है। वहीं सब डिनर पर मिशेल का इंतजार कर रहे होते हैं और तभी उसका बेटा कोल उसके पास आकर उसे अपने साथ डिनर के लिए ले जाता है, जिसके बाद एक बार फिर से हमको रात का सीन दिखाया जाता है, जहां अचानक से मिशेल को बेचैनी होने लगती है और उसको घबराहट भी होने लगी थी। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता, इसीलिए वो कार्टर को कॉल मिलाता है। वो उसको इस बारे में बताता है कि उसको अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि वो आखिर इतनी आसानी से कैसे बच गए। साथ ही वो उसको ये भी कहता है कि कहीं ये सब हमारी कोई इमेजिनेशन तो नहीं है। जिस पर कार्टर भी उससे कहता है कि उसको भी सब कुछ अजीब लग रहा है, पर तुम ज्यादा परेशान मत हो। और तभी कार्टर की आवाज कटने लगती है और मिशेल जैसे ही अपना मोबाइल देखता है तो उसके मोबाइल पर क्रैक्स पड़ने लगते हैं और अचानक से उसका मोबाइल बंद हो जाता है। जिसके बाद हमें वही जगह एक बार फिर से दिखाई जाती है, जहां पर लास्ट टाइम कार्टर और मिशेल सो रहे थे, जहां हमको पता चलता है कि वो तो उसी दिन मर चुके थे। और अब तक जो सब कुछ हमने देखा, जैसे कि कार्टर मिशेल का उस टाउन में जाना, हॉस्पिटल में जाना और पुराने लाइफ में वापस चले जाना, ये सब बस उनकी इमेजिनेशन थी। मिशेल को भी अब ये रियलाइज हो गया था कि ये उसके इमेजिनेशन है, जिसके साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस फिल्म की कहानी पसंद आई होगी। फिलहाल तो आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ।